नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। सोलहवीं G20 लीडर समिट में भाग लेने के लिए इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे और पीएम मोदी आज इटली के विदेश मंत्री कार्डिनल पियत्रो पारोलिन से भी मुलाकात के लिए वेटिकन सिटी भी जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर तक रोम, इटली और वेटिकन सिटी के दौरे पर हैं। इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और इटली के पीएम ड्रैगी ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। 12 बजे वेटिकन सिटी के लिए पीएम मोदी आपको बता दें रवाना होंगे और 1:45 पर पोप फ्रांसिस से मुलाकात वो करेंगे और विदेश मंत्री महामहिम कार्डिनल पियत्रो पारोलिन में से भेंट कर बातचीत करेंगे। आपको बता दें 5:35 पर G20 शिखर सम्मेलन में आधिकारिक स्वागत और सामूहिक फोटो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इस दौरान पहले सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें 6:10 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री की होगी और इसके बाद पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लंगू से बैठक भी उनके साथ करेंगे और मुलाकात भी करेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें 5 दिन की विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं और ऐसे में 29 से 31 अक्टूबर तक यानी कि कल तक वो इटली में ही रहने वाले हैं। कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, कई अलग अलग लोगों से मुलाकात भी वो करने वाले हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करने के लिए पहुंच रहे हैं। वो देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें अमित शाह राज्य सरकार की घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा स्थल का औचक निरीक्षण किया और जिलाधिकारी से व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए की जाए। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि अमित शाह शनिवार को देहरादून पहुंचकर सबसे पहले घसियारी कल्याण योजना और सहकारिता विभाग से जुड़े कुछ अन्य योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद उनकी एक भव्य जनसभा होगी। जनसभा में बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे। ऐसे में जनसभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह IRTD ऑडिटोरियम में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक लेंगे। बैठक में वो चुनावी तैयारी की भी नब्ज टटोलेंगे। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान वो लोगों से करेंगे। आपको बता दें इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे और बीजेपी के भीतर दल बदल की चर्चाओं के बीच शाह के इस दौरे के कई सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। 3 से 4 महीने से कम का भी वक्त ऐसे में बचा है और इसीलिए बीजेपी पूरी धार देने की कोशिश कर रही है और चुनावी आगाज उत्तराखंड में भी हो चुका है। इसीलिए मिशन 2022 के लिए अमित शाह एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई बड़े विकास कार्यों की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। देश के 14 राज्यों में 3 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा सीटों पर आज हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ज्यादातर सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच ही है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उपचुनाव में कई पाबंदियां लगाई हैं। आपको बता दें 9
लोकसभा क्षेत्रों में मौजूदा सदस्यों की मृत्यु हो गई थी और मार्च में रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद मंडी सीट खाली हुई थी। खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए उपचुनाव बीजेपी सदस्य नंद कुमार सिंह चौहान की मृत्यु की वजह से करना पड़ रहा है, जबकि द्वादरा और नगर हवेली से निर्दलीय लोकसभा सदस्य मोहन देलकर फरवरी में मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए थे। जिन सीटों पर लोकसभा का ये चुनाव हो रहा है उनमें द्वादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल हैं। आपको चलिए अब ये भी बता देते हैं कि किन 30 विधानसभा सीटों पर आज ये उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इसमें आपको बता दें असम की 5 सीटें शामिल हैं जिसमें उपचुनाव हो रहा है, और ऐसे में असम के अलावा आपको बता दें पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं जिनमें उपचुनाव ये होना है, मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं जिनमें उपचुनाव आज हो रहा है, मतदान हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी 3 सीटें हैं, जबकि ऐसे में मेघालय की भी 3 सीटें हैं जिसमें आज उपचुनाव होने जा रहा है, और बिहार में भी 2 सीटें हैं जिन पर आज मतदान होगा, और कर्नाटक की बात करें तो वहाँ भी 2 सीटों पर मतदान हो रहा है, राजस्थान में भी 2 सीटों पर ही मतदान होगा, आंध्र प्रदेश में 1, हरियाणा में भी 1 सीट, महाराष्ट्र में भी 1 सीट, जबकि मिजोरम में भी 1 सीट और तेलंगाना और नागालैंड में भी 1-1 सीट पर ये आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। अमरोहा में जोया रोड स्थित जोई के मैदान में शनिवार को भाकियू टिकैत गुट की किसान महापंचायत होने जा रही है। हजारों किसानों के बीच राकेश टिकैत हुंकार भरेंगे। महापंचायत में मंडल भर के हजारों किसान शामिल होंगे। भाकियू नेताओं ने महापंचायत स्थल का जायजा लिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है। भाकियू टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह ने बताया है कि 18 अक्टूबर को किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत जोया रोड स्थित जोई के मैदान पर प्रस्तावित थी, लेकिन बारिश होने की वजह से पंचायत को स्थगित कर दिया गया था, इसीलिए ये पंचायत आज होने जा रही है। इसके लिए प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी दानवीर सिंह और जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों के साथ मैदान का जायजा लिया। इसके अलावा तहसील और ब्लॉक के स्तर के पदाधिकारियों ने गाँव गाँव पहुँच कर किसानों ने महापंचायत में पहुंचने की अपील की। उधर किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन सतर्क हो चुका है, और ऐसे में एसपी पूनम ने बताया है कि सुरक्षा के लिहाज से 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा एक कंपनी पीएससी भी तैनात वहां पर रहेगी। तो आज एक बार फिर से अमरोहा में किसानों की महापंचायत होने जा रही है, जहां पर हजारों की संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। कानपुर में वायुसेना के वाटर ऑफिसर के जीका वायरस मिलने के बाद ताज नगरी में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है। आपको बता दें ताजमहल पर विशेष स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। ऐसे में सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया है कि कानपुर में सैन्य अफसर में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद आगरा में एहतियातन तैयारियां कर ली गई है। अगर कोई दूसरे शहर से यात्रा करके लौटता है या उनके रिश्तेदार आते हैं और उनको तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी जरूर दे। वही आपको बता दें रैपिड रिस्पांस टीम उनकी स्क्रीनिंग कराते हुए नमूने लेकर जांच भी कराएगी। ये बीमारी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होती है, जबकि 2 से 7 दिन में लक्षण उभरने लगते हैं। आपको बता दें कि जीका वायरस के लक्षण क्या क्या है, इसमें तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने, मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द होना और पूरे शरीर में दर्द होना, ये जीका वायरस के लक्षण हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कानपुर में एक अफसर में जीका वायरस पाए जाने के बाद ताजमहल में भी, अब आगरा में भी, ताज नगरी में सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है, अलर्ट कर दिया गया है, और ऐसे में स्क्रीनिंग ताजमहल पर हर पहुंचने वाले लोग की जाएगी, और साथ ही आगरा में जो भी यात्री जाएंगे यात्रा करने के लिए या फिर उनके कोई रिश्तेदार आएंगे तो ऐसे में हर किसी की चेकिंग की जाएगी, यानी कि पहले से ही अब तैयारियां कर ली गई हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी ज़्यादा और मुश्किल में लोग ना पड़ जाएँ।
एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जेल से मुक्ति मिल चुकी है। आपको बता दें, सुबह 5:30 बजे ही आर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स खोल दिया गया था। कहा जा रहा है कि जल्द ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा और अब उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया है। आपको बता दें, पहले तो आर्यन को शुक्रवार को ही छोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन बेल ऑर्डर अधिकारियों तक नहीं पहुंच सका, जिस वजह से उन्हें एक रात और जेल में बितानी पड़ी थी। अब आज शाहरुख खान के बेटे की मन्नत पूरी हो चुकी है और जेल से उन्हें जमानत मिल चुकी है, रिहाई मिल चुकी है। आपको बता दें कि आर्यन समेत 3 आरोपियों को गुरुवार के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। शुक्रवार दोपहर कोर्ट ने बेल ऑर्डर भी जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आर्यन जेल से बाहर नहीं आ सके थे। दरअसल आर्यन की बेल कॉपी 5:30 बजे तक मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंचना था, लेकिन तय समय में वो नहीं पहुंच सकी। और ऐसे पूरे मामले में आर्यन खान के वकील रहे सतीश मान शिंदे कोर्ट से बेल कॉपी लेकर जेल की ओर रवाना हुए। समय पर कॉपी लेकर जेल नहीं पहुंचने की वजह से शाहरुख के बेटे को एक और रात जेल में ही काटनी पड़ी। उधर आर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने भी बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंचने की पुष्टि की थी और कहा था कि यदि समय पर बेल ऑर्डर की कॉपी जेल पहुंच जाती तो आर्यन को शुक्रवार को ही जेल से बाहर छोड़ दिया जाता। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला आर्यन खान की ओर से जमानती बनी है। आपको बता दें, उन्होंने ही कोर्ट में आर्यन की बेल से जुड़े कागजातों पर साइन किए। आर्यन को हाई कोर्ट ने 1,00,000 रुपए के बॉन्ड पर सशर्त बेल दी है और ऐसे में वकील सतीश मान शिंदे ने बताया है कि आर्यन खान को जूही बचपन से ही जानती हैं और प्रोफेशनली जुड़ी भी हुई हैं। इसके बाद जज ने उन्हें बतौर जमानती स्वीकार कर लिया है। तो आर्यन खान को आज करीब 27 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया गया है और लगातार ये अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं कि अब आर्यन खान की मन्नत पूरी हो चुकी है और जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। बस कुछ ही देर और जब आर्यन खान अपने घर पहुंच जाएंगे। देश में कोरोना के प्रसार के बाद कई तरह से प्रतिबंध लगे थे। कोरोना के मामले घटने के साथ ही ये प्रतिबंध अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। ऐसे में अब आदेश आया है कि दिल्ली में सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। जी हां, डीडीएमए ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी किया है और इससे पहले सिनेमाघरों को सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही खुलने की इजाजत थी। हालांकि रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल अभी भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। इधर शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 100 से बढ़कर 200 की गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,348 नए केस सामने आए हैं। हालांकि इस साल मार्च अप्रैल में आई कोरोना की दूसरी लहर ने देश को पूरी तरह से डरा दिया था। हालांकि अब काफी राहत है, लेकिन दीपावली और छठ पूजा के बाद तीसरी लहर के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि हमें इससे बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन करते रहना होगा। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग को कतई नहीं भूलना चाहिए। बीकानेर में बीएसएफ वेलफेयर द्वारा मेले का आयोजन किया गया। बीएसएफ आईजी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि बीएसएफ हर साल मेले का आयोजन करता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से मेला नहीं लगाया गया था। अब मेला लगाया गया है, जिसमें खाने पीने और अन्य सामग्री के स्टॉल लगाए गए, जिसमें कई वस्तुएं मिल रही है। मेले से जवानों का समय समय पर उत्साहित रहते हैं, इसीलिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप ये बीकानेर की, जहां पर दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि बीएसएफ द्वारा ये मेला लगाया गया है, जिसमें कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। हालांकि ये मेला हर साल लगता था, लेकिन बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जब इस बार कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं तो एक बार फिर से बीएसएफ के जवानों की तरफ से इस मेले का आयोजन किया गया है। देखिए, पिछले तकरीबन 2 साल से कोविड सिचुएशन की वजह से कोई एक्टिविटीज नहीं हो पाई है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंडिया की। बॉर्डर पे हमारे जवान मुस्तैदी से ड्यूटी करते रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को, उनको भी जब वो छुट्टी आते हैं तो उनके लिए भी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि उनको भी अच्छा लगे। और ये अभी कोविड सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है और काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई है। अभी हमने ये दिवाली मेला लगाया है
हमारे जवानों के लिए, हमारे वेलफेयर, एक वेलफेयर एक्टिविटीज़ है जो हम ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो ये दिवाली के ऊपर मेला जो है हमने लगाया, जिसके अंदर तकरीबन 25 से 30 हमने स्टॉल्स लगाई है, खाने पीने की है, गेम्स की हैं, और भी कैंटीन की आइटम्स हम लोग यहाँ पे उनको बेच रहे हैं। संसदीय क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत मंडी समिति में पहुंचकर किसानों के धान की तौल न होने को लेकर डिप्टी आरएमओ सहित अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि वो जल्द ही सुधर जाए, नहीं तो उन्हें जेल जाना भी पड़ सकता है। वही इस दौरान सांसद वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान के लिए कोर्ट जाने तक की बात कही। आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी के निरीक्षण के दौरान मंडी समिति में अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को अपना प्रतिनिधि हर कांटे पे, जिले पे, कमिश्नरी पे, प्रदेश में बिठाना है, और मैं सारे जनप्रतिनिधियों से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि सब लोग इसमें शामिल हों। जहाँ जहाँ उनका प्रतिनिधि एक भी भ्रष्टाचार का साक्ष्य पाए, वहाँ पे सीधे आप कोर्ट में जाइए और जो जो भ्रष्टाचार में शामिल है उनको जेल भिजवाइए। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से जो बैरिकेटिंग की गई थी उसको शुक्रवार को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र की 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड हुई थी। इसी दौरान यहां पर हिंसा भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर लोहे और सीमेंट के बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिसे आज हटा दिया गया है। लगभग पिछले 11 महीनों से किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें नए मोड़ आते गए। 26 जनवरी के बाद से दिल्ली पुलिस ने यहां पर बैरिकेड कर दिया था। 7 लेयरों से इसको बैरिकेड किया गया था ताकि किसान दिल्ली ना जा सके। जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई थी उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से जो है बैरिकेड कर दिया था। लेकिन अब तस्वीरें थोड़ा बदल रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से बैरिकेड को हटाया जा रहा है। सीमेंटेड बैरिकेड है, इसको हटाया जा रहा है। इससे पहले 3 से 4 लेयर को हटा दिया गया है और अब यहां पर 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग बची है। इन तमाम चीज़ों को यहां से हटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी धरना रास्ता रोक कर ज़्यादा समय तक नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद किसानों ने अपना रास्ता साफ करते हुए कहा कि वो यहाँ पर रास्ता रोककर नहीं बैठे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग यहाँ पर की है, वो दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद अब तस्वीरें यहाँ पर बदल चुकी हैं। तस्वीरें आप देखेंगे किस तरह से जो है यहाँ पर ये बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर आपके सामने, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र जी, अब रास्ता हटाया जा रहा है, बैरिकेडिंग पूरी तरह से हटाई जा रही है, अब आगे आंदोलन का रास्ता किस तरह से होगा? तो सरकार ने रास्ता रोक रखा था, सरकारी रास्ता खोल रही है। अच्छा, आप रास्ता खोल रही है लेकिन पीछे जिस तरह से टेंट लगे हैं, तो क्या आप अब यहाँ पर रुकेंगे या दिल्ली चले जाएंगे और ये जो रोड है आम जनता के लिए खुल जाएगी? वो भी किसान रोड तो जनता के लिए, तो हमने रोक ही रखा रास्ता, जनता का तो रास्ता खुला हुआ है हमारी तरफ से। तो किसान, वो किसान तय करेगा किसान कहाँ रहेगा, दिल्ली जाएगा, क्या करेगा, वो भी तय करेंगे। तो बिल्कुल, देखिए आने वाला समय ये भी बता देगा कि यहाँ पर किसान रुकता है या फिर दिल्ली के संसद में जाकर अपना धरना प्रदर्शन तेज करता है। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मथुरा में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बालिका सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पूर्व माध्यमिक विद्यालय दघेटा में शुक्रवार को कक्षा 7 की होनहार छात्रा श्वेता तिवारी को अकेडमिक रिसोर्सेज पर्सन डॉक्टर जगदीश पाठक की तरफ से उपस्थित एक दिन का कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया। वहीं पदभार ग्रहण करने के पश्चात विद्यालय के सभी शिक्षकों ने उसके निर्देशों का अनुपालन भी किया। वहीं उन्होंने प्रार्थना सभा में साथियों को संबोधित करते हुए उन्हें नियमित रूप से समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए प्रेरित किया और स्वयं स्वच्छ रहकर विद्यालय को भी स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने के लिए कहा।
सहारनपुर नगर निगम की ओर से आयोजित विकास दीपोत्सव का गांधी पार्क मैदान में शुभारंभ हुआ। इस मेले का शुभारंभ कैराना के बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने किया। वहीं इस दौरान नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं यहां उनका प्रदर्शन हो रहा है और जितने भी हमारे वेंडर समूह और जो रेडी पटरी पर दुकानें लगाते हैं वो सब यहाँ दुकानें लगाएंगे जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि सभी नगर निगमों में और सभी नगर पालिकाओं में ये विकास दीपोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, स्वयं सहायता समूह हैं या अन्य लोग भी हैं जो रेहड़ी पटरी पर दुकानें लगाते हैं, उन सबको यहाँ रोज़गार का अवसर दिया जा रहा है। दुकानें लगाएंगे वो, जिससे अपना आत्मनिर्भर उनको बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जानकारी, इसके अलावा जो हमारे तमाम सारे स्टॉल लगे हुए हैं वो स्वयं सहायता समूह के भी लगे हुए हैं, सरकारी विभागों के भी लगे हुए हैं। वो सारी की सारी चीज़ें एक ही मेले के अंदर लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो किस तरह से सरकारी मदद ले सकता है, प्रधानमंत्री आवास अगर वो चाहता है तो वो किस तरह से उसको मिल सकता है, या पीएम स्वनिधि योजना के तहत वो 10,000 का लोन उसको कैसे मिल सकता है, ये सारी जानकारी ये इस मेले में दी जाएगी। लालकुआ विधानसभा कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों बूथ कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी गई। आयोजित शिविर में कुमाऊं संयोजक प्रशिक्षण शिविर इंदु मान ने भी भाग लिया। उन्होंने आने वाले चुनाव 2022 को लेकर नीति निर्धारण कर तय किया। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के मोटा हल्दू स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर में दिल्ली से आए एक्सपर्ट ने 2022 में आने वाले चुनाव के विषय पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। वहीं आयोजित शिविर में पहुंची कुमाऊं संयोजक प्रशिक्षण शिविर इंदु मान ने बूथ कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कई सुझाव भी साझा किए। ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवा ने सितारगंज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जहां पर उत्तराखंड सरकार पर बारिश से आई आपदा में पूरी तरह फेल होने के आरोप लगाए। मारवा का कहना है कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर, चाहे वो केंद्र की बीजेपी सरकार हो या राज्य की, दोनों जगह पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बूथ स्तर को मजबूत करने में जुट गई है। भगवानपुर के निजी बैंक्वेट हॉल में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे और विधायक ममता राकेश समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में बूथ स्तर को मजबूत करने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान सह प्रभारी दीपिका पांडे ने कहा कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के बूथ स्तर के सच्चे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनका सम्मान किया जाए। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।